मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो कल रात हमें यहां रूम मिल गया था फर्स्ट क्लास तरीके से, और भाई लोग अभी कॉलगेट वॉलगेट कर रहे हैं, और अब चलते हैं मंदिर की साइड और कुछ खा भी नहीं रखा है, खा लेते हैं फिर दिखाते हैं आप सभी को आज दिन में बागनाथ मंदिर। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-20 मिनट का रास्ता है बस। और कल रात ठंडा भी हो रहा था, नॉर्मल सा ठंडा हो रहा था। और सूरज भाई सही हो रहा ना, कल मुझे यार बढ़िया हुआ ना जहर। तो गाइस ये है पूरा बागेश्वर जिला। तो देखिए ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ की, और सामने है मंदिर। तो अभी हम यहाँ जाएंगे फर्स्ट क्लास से, और कुछ इस साइड का व्यू ये है, देखिए मतलब लोकेशन तो बहुत बढ़िया है। तो अभी बजे है 10, और सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा था इसलिए हम निकले नहीं, तो अभी जा रहे हैं। तो वो सामने है मंदिर। सूरज भाई मज़ा आया ना कल, कल तुम्हें तो मज़ा ही आया होगा। और ये कुछ ऐसे प्रकार का होटल है यहाँ जब हम रुके थे। मेरी गाड़ियों की पार्किंग नीचे, हमारी सब गाड़ियाँ वहीं खड़ी है। और ये भाई अपने कॉलगेट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। चले भाई अभी ये फ़ोटो खींचेगा फिर स्टोरी लगा देगा मेरे को पता है। तो ये है हमारा रूम, तो रूम के अंदर भी ले चलते हैं आप सभी लोगों को। हैं तो यहाँ सबकी तैयारी चल रही है, और इनको अच्छे से रख देना भाई लोग, अभी थोड़ी देर बाद और आना है। फाइनली निकल चुके हैं हम यहाँ से भाई लोग सब कुछ, और ये नानो भाई हमारा। तो देखिए अभी मंदिर की ओर चलते हैं, निकलना है ले तो कल करेंगे पहले दर्शन, क्योंकि आज तो कुछ नहीं, घूम के आएंगे लेकिन आप सभी को पूरा दिखाएंगे पूरा बागेश्वर मंदिर की ओर जितना भी है, तो आप सभी को दिखाएंगे। ठीक है, तो जिसको मीटअप करना है वो आ सकता है हमारे ब्लॉगों में, क्यों आगे। तो फाइनल हम पुल में पहुंच तो चुके हैं। हाँ ये है गोमती, और रास्ता वहाँ पर है फिर नीचे वाला जाने वाला। तो सरयू और गोमती नदी जो कि यहाँ मिलती है, यहाँ फर्स्ट क्लास से धूप आई है बागेश्वर मंदिर में। ये है हमारी गोमती नदी, और ये है सरयू जो सीधे आ गई है, आ रही है। चलो आगे देख के दिखाते हैं आप सभी लोगों को। अभी फर्स्ट क्लास की धूप भी आई है बागेश्वर में चारों ओर। और कल रात को तो आप सभी ने देख लिया होगा नाइट वाला, अभी दिन में दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को चारों ओर का व्यू। इतो तो जानो वक्त चलना, फट कर कैमरा छूट गो ओप्रो ओप्रो। और सामने हमारा मंदिर बागनाथ मंदिर। ये है गोमती, और ये सामने से आ रही जो है वो है सरयू। हम यहाँ पुल के नीचे जो सामने पुल है ना उसके नीचे आ चुके हैं, और यहाँ दुकान वकान हल जा रही है, और हम भी घूम ही रहे हैं सुबह के टाइम में। और मंदिर देखिए हमारा बागनाथ मंदिर, तो इस प्रकार के कुछ पुल हैं सामने। पुल के रास्ते जाना है ना, यहाँ अभी थोड़ा बहुत साफ सफाई चल रही है, तो उसके बाद ही धूली धूल हो गई है। और जो पुल में कल आए थे हम वही पुल है ये, देखिए अभी सुबह के टाइम में। आ चुका है हमारा खाना,
ये भाई भी खा रहे हैं अपना, और इनके लिए भी आ रहा है फर्स्ट क्लास वाला। तो खाना वाना खाते हैं यहाँ फर्स्ट क्लास में, फुल डाइट है 70 रुपये में, तो आना ही फर्स्ट क्लास। चावल और जो भी है ये देखिए सही। तो चलो खाना खाना खाने के बाद आप सभी को मिलते हैं थोड़ा देर बाद सीधे नदी में। खाना वाना खा के आ चुके हैं छबाले निको भाई, और हम आके हैं लकड़ी के पुल में जो कि चारों ओर का व्यू बताते हैं। लेकिन आ जा तू भी, आ तू भी आ जा। तुम कहाँ से हो? हम यहीं से हैं, बागेश्वर से हो? अपने ऊपर जाना है हमें अभी यहाँ, तो ऊपर चलेंगे यहाँ से बागेश्वर धाम मंदिर में घूमेंगे। और ये जो सरयू आ रही है ना, चिकन खा ले, फुल चिकन खा जाएगा, मस्त वाली नदी सरयू। मेरे दोस्त को बनाए 400 बोला था दोस्त ने, लगा 400 को सरयू क्या बनाएंगे ना बनाएंगे आप पागल है। अभी अच्छी खासी धूप आ रखी है और मज़ा भी आ रहा है मतलब यहाँ घूमने में। और जी तो आपको बागेश्वर में ऐसे छोटे मोटे पुल बहुत मिलेंगे आप सभी लोगों को। बता ही दिया मैंने उनको, वो ऊपर जा रहे हैं टॉप टिप्पन टॉप में, वहाँ से पूरा बागेश्वर दिखता है। ये कहाँ है नाव? तो कल हम भी ऐसे ही नहाएंगे जैसे लोग नहा रहे हैं। क्यों भाई? तो आ चुके हैं हम और मंदिर सामने हमारे यहाँ से। अभी हम मंदिर में तो नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे क्योंकि आज उतना कुछ नहीं है। तो कल 15 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ सामने है हमारा श्री बागनाथ मंदिर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार निकाली गई है बागेश्वर धाम मंदिर में जहाँ की, तो आप सभी देख रहे होंगे। तो अभी हम चल रहे हैं सीधे ऊपर व्यू पॉइंट में बागेश्वर के, जो कि यहाँ से काफ़ी ऊपर है, तो वो ऊपर है। तो चलते ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं आपको पूरा बागेश्वर का व्यू कैसा दिखता है करके। ये भाई की हालत डाउन, बैठे चलते हैं भाई। तो देखिए ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो हम रह रहे हैं वो सामने, वो उधर से हम यहाँ आ चुके हैं इतनी दूर। तो यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट दिखता है बागेश्वर का और मंदिर भी ऊपर। तो चलते हैं भाई, थक गए रे सोनुआ, आई छा बागेश्वर बाजार घूम लो। तकड़ी वाली कुछ कुछ भाई लोग तो सूरज और पवन की हालत डाउन खत्म। बागेश्वर जाओ तो सब जगह घूमो ना, सबका मजा लो। कल रात मैंने आपको नाइट का दिखाया, तो अभी ऊपर दिखा रहे हैं पूरा दिन का। तो ये नानू भाई भी थक गया है। बागेश्वर के इस चट्टानों के बीच ऐसी सीढ़ियाँ और एकदम खड़ी बिल्कुल, वो यहाँ है व्यू पॉइंट ऊपर। तो उतराने का कति कुछ ऐसा लगता है
देखो नीचे डांस चल रहा है, नीचे झांकी निकल ली है ना, तो ये झांकी पूरे माना गया है कि पूरे मार्केट में घूमती है। ये झांकी इस तरह निकाली जा रही है हमारी बागेश्वर धाम में। इस पुल से आएंगे ये मार्केट में जाएगी ना, ऐसे ऐसे सामने बागेश्वर कितना अच्छा दिख रहा है चारों ओर से, इसकी सुंदरता में अलग ही मजा है। और एक तो हम व्यू पॉइंट में आए हैं तो वहां से कुछ अलग ही लेवल दिख रहा है, तो इस प्रकार का कुछ व्यू पॉइंट है यार। चारों ओर पहाड़ों के बीच में बागेश्वर मार्केट बसा है पूरा, और नीचे हमारे महादेव का मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है। और सब भाई लोग अपनी फोटो वोटो खींच रहे हैं यहाँ है। तो चलो दोस्तों, अभी हो रखी है शाम और दिन भर थोड़ा बहुत जितना घूमा घूम लिया फिर, और अभी शाम के टाइम चल रहे हैं वहाँ। और कल आज के दिन हम यहीं रुक रहे हैं, आपको बता ही दिया था। फाइनली रात को चल रहे हैं वहाँ, और प्रोग्राम है आज वहाँ कुमाऊनी संस्कृति ऐसे कुछ बोल रहे थे फिर, पता नहीं इतना तो पता नहीं, लेकिन है आज प्रोग्राम। तो चलते हैं, आज का भी दिखाते हैं आप सभी लोगों को, और बने रहिए उत्तराणी का कौतिक में। तो आज बागेश्वर के इस पवित्र धाम में चारों ओर दिए जलाए जा रहे हैं, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चारों ओर जगमग कर दिया है बिल्कुल दियो से, तो कितना सुंदर लग रहा है अभी रात के टाइम में। तो कुछ इस प्रकार की इसकी सुंदरता दर्शाता है ये बागेश्वर। असी व वरुणा के मध्य स्थित काशी की तरह ही गोमती व सरयू के मध्य दिव्यपुरी का निर्माण करे, तब चंडीश ने नील पर्वत में पहुंचकर दिव्यपुरी का निर्माण किया, व अति प्रसन्न होकर पार्वती सहित भगवान शंकर यहाँ निवास करने लगे। पार्वती सहित शंकर को इस स्थान पर देखकर सर्वप्रथम आकाश मार्ग से दिव्य वाणी द्वारा शिव स्तुति की गई, इसीलिए शिव बागेश्वर कहलाए। वृंदावन भूमि से हिमालय से निस्तृत सरयू को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी समय नील पर्वत के तट पर मार्कंडेय तप कर रहे थे। हेलो, आ रहा नहीं आ रहा तू? हाँ ठीक।